चलिए जल्दी से सारे लोग आ जाइए और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक वाला बटन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, दूसरी चीज़, वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कर दिया करिए। मेरे सारे सारे जितने भी मेरे यहाँ पर लेक्चर हों, सारे के सारे लेक्चर आप अपने सारे दोस्तों के बीच में शेयर कर दिया करिए, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ये चीज़। जल्दी से आ जाइए दोस्तों, सारे लोग आ जाइए जल्दी से। मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जल्दी से मुझे बताइए। हाँ, ओके, तो दोस्तों ठीक है, तो हम लोग आज का सेशन शुरू करें। जल्दी से आ जाइए सारे लोग। जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। हाँ, तो चलिए दोस्तों हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं अब। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हीट हम लोग पढ़ रहे थे, हीट ऊष्मा नाम का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, और हम लोगों ने दो दिन आग लगाई है। ठीक है, आज तीसरे दिन हम लोग फिर से आग लगाते हैं और ऊष्मा पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे एक्चुअल में मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ये हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, हीट में ऊष्मा संचरण की विधियाँ। ठीक है, तो जिसमें कि हम लोगों ने दो मेथड हम लोगों ने पढ़ लिए थे, और जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो मेथड पढ़ रहे थे हीट ट्रांसफ़र का, वो था तुम्हारा कन्वेक्शन। इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी चर्चा कर ली थी, संवहन इसको हिंदी में बोलते हैं। दोस्तों संवहन में हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी, सीखी थी, संवहन में हम लोगों ने एक चीज़ सीखी थी कि जो ठंडे ठंडे जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर की ओर जाते हैं। ठीक है, तुम्हारे ठंडे पार्टिकल ऊपर की ओर जाते हैं, और जो सॉरी ठंडे पार्टिकल तुम्हारे नीचे की ओर आते हैं, बाय मिस्टेक हो गया ये चीज़। तुम्हारे जो भी ठंडे पार्टिकल होते हैं वो तुम्हारे नीचे की ओर आते हैं, और जो तुम्हारे गर्म पार्टिकल होते हैं वो तुम्हारे ऊपर की ओर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिएगा दोस्तों, गर्म पार्टिकल तुम्हारे ऊपर की ओर मोशन करते हैं इस तरीके से, और ठंडे वाले जो तुम्हारे पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स तुम्हारे नीचे की ओर मोशन करते हैं इस तरीके से। ठीक है, नीचे की ओर इस तरीके से मोशन करते हैं। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ कि ठंडे पार्टिकल नीचे की ओर आते हैं और गर्म पार्टिकल ऊपर की ओर जाते हैं। मगर इसमें हम लोगों ने एक चीज़ और इसमें कॉमन हम लोगों ने ऑब्जर्व करी, वो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर वर्टिकल मोशन ही होता है। ठीक है ना, एक चीज़ यहाँ पर सोचने वाली है, और ये बहुत बड़ी बात है। ये आपको टीचर्स ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, टीचर बहुत जगहों पर ये चीज़ स्किप कर देते हैं, और मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बताने लायक, कि यहाँ पर जो मीडियम के पार्टिकल्स का मोशन होता है वो हमेशा वर्टिकल मोशन होता है। ठीक है ना, वर्टिकल मोशन होता है, कहने का मतलब ऊर्ध्वाधर गति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर माध्यम के कणों की ऊर्ध्वाधर गति होती है, ऊर्ध्वाधर होता है, धुआंधार नहीं होता। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर माध्यम के कणों की ऊर्ध्वाधर गति हुआ करती है। जी हाँ, हेलो हेलो मोहित शर्मा, हेलो एवरीवन, लोकेंद्र लोकेंद्र, कुलदीप, शिवम, गुड इवनिंग एवरीवन, ढेर सारे लोग जल्दी से आ जाइए सारे लोग। तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर गति होती है। कन्वेक्शन का ही एक पार्ट ऐसा भी है,
कन्वेक्शन का ही एक मेथड ऐसा भी है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवेक्शन। एक इसी का ही टाइप है ये एडवेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अभिवहन। क्या बोलते हैं? अभिवहन, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अभिवहन, एडवेक्शन। ओके अदम्य राणा, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। हाँ, अभिवहन। तो देखिए दोस्तों, अभिवहन में क्या अंतर होता है, अभिवहन और कन्वेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्चुअल में अभी तक हम लोगों ने सीखा कि कन्वेक्शन वाला जो तुम्हारा पार्ट होता है कन्वेक्शन, इसमें तुम्हारे हॉट पार्टिकल्स ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एडवेक्शन में क्या होता है कि जो हॉट एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पर हीट होती है, या जहाँ पर कह सकते हैं कि कोई गर्म है, ठीक है, या हाई एनर्जी है जहाँ पर, तो हम लोग देखते हैं जरा यहाँ पर, तो हाई एनर्जी वाला कोई भी जो लेवल है, जहाँ पर एनर्जी तुम्हारी ज़्यादा होगी और एक जगह तुम्हारी लो एनर्जी होगी। तो दोस्तों, इस एक्चुअली होता क्या है कि इस वाले मेथड में होता ये है कि मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो तुम्हारे हॉरिजॉन्टल मोशन करते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना, वो तुम्हारे हॉरिजॉन्टल मोशन करते हैं ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पर दोस्तों एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और किस डायरेक्शन में होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है ना। तो क्षैतिज दिशा में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। दोस्तों, ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो सकती है, याद रखिएगा, ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो सकती है। यहाँ पर जरूरी नहीं कि सिर्फ हीट हो। जैसे आपने सुना होगा, भूगोल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में, कि जो है हवाएं चलती हैं तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, तो जहाँ पर हाई प्रेशर एनर्जी होती है, लो प्रेशर एनर्जी की ओर चीज़ें चलती हैं, ठीक है। दिल्ली पुलिस AWA टॉप TPO में साइंस किस लेवल का आएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, शांति से पढ़ते रहिए, पेपर में आपके फंस जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो इस तरीके से दोस्तों ये चीज़ तुम्हारी होती है, इसमें सबसे खास बात होती है, ठीक है, एडवेक्शन में। तो यहाँ पर ये चीज़ पूछी जाती है, कि जब कभी भी एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो, तो उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं एडवेक्शन। क्या बोलते हैं? एडवेक्शन बोलते हैं दोस्तों, अभिवहन बोलते हैं। क्लियर हो गई चीज़? हाँ, तो आई थिंक कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हाँ, ओके, तो हाँ ठीक है, तो चलिए ये चीज़ हम लोगों की क्लियर हो गई। तो दोस्तों, कन्वेक्शन वाला टॉपिक हम लोगों ने ख़त्म कर लिया, एडवेक्शन भी हम लोगों ने बता दिया है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा, ये जो आपका UPSC में पूछता है, जो आपको UPSC में पूछेगा, वो आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पर पूछ लेता है कई बार, ठीक है, एडवेक्शन के बारे में। क्योंकि जनरल किताबों में, मार्केट में जो किताबें उपलब्ध हैं, उनमें कभी भी इसके बारे में चर्चा नहीं करता। श्वेता शर्मा हेलो, विदिशी चोपड़ा हेलो सर, हेलो मनीष मौसर, सॉरी मनीष मौर्य, ओके सौरभ, ओके वेरी गुड। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिएगा, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे की ओर हम लोग पढ़ते हैं अगला मेथड। तुम्हारा जो नेक्स्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र का है, वो है तुम्हारा रेडिएशन। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विकिरण। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग हिंदी में बोलते हैं विकिरण, ठीक है ना, विकिरण। तो दोस्तों याद रखिएगा, विकिरण, ठीक है ना, विकिरण। ध्यान से देखिएगा कैसे देखोगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक बात मुझे बताइए, रे मीन्स क्या होता है, ठीक है। हाँ, रे मीन्स होता है किरण, ठीक है ना, रे मीन्स होता है दोस्तों किरण। जी हाँ दोस्तों, कभी भी अगर आपको कहीं भी कोई किरण दिख जाए, तो समझ जाना कि वहाँ पर विकिरण है। क्या है?
कभी भी कहीं पर भी अगर आपको कोई किरण दिख जाए तो समझ जाना कि विकिरण है। क्या है? विकिरण है, रेडिएशन है। या कहीं पर भी कोई भी इंग्लिश मीडियम वालों को कोई रे दिख जाए तो समझ जाना रेडिएशन है। क्या है? समझ जाना कि रेडिएशन है। और दोस्तों सबसे खास बात ये होती है, इनमें सबसे खास बात ये होती है कि रेडिएशन के अभी तक हम लोगों ने पुराने वाले दोनों मेथड पढ़े थे, उन दोनों मेथड्स में हीट के ट्रांसफ़र के लिए मीडियम की ज़रूरत होती थी। ठीक है, उन दोनों मेथड, जी हाँ, शिवानी नामदेव, नामदेव ओके, आशुतोष कुमार सिंह एग्जैक्टली, ओ रेडिएशन, थैंक जी, एग्जैक्टली, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ध्यान से, कहते सुनोगे आप लोग ध्यान से, तो देखिएगा इस मेथड में मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इन दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इसमें माध्यम की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ना हवा, ना पानी, कांच, प्लास्टिक, लोहा, लोही, प्लास्टिक, कुछ भी नहीं चाहिए होता है। मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, माध्यम की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, दूसरी चीज़, हाँ, माध्यम की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, क्लियर है। अच्छा, दूसरी चीज़, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसके बारे में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि मान लो जैसे ये अपनी पृथ्वी है, ये क्या है, ये अपनी पृथ्वी है, ये अपना गोला है। ठीक है ना, ये अपना गोला है और यहीं पर हम लोग रहते हैं। कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं, ऐसे करके, कैसे करके, ऐसे करके, तो दोस्तों ये ऐसे ऐसे करके हैं। ठीक है, अच्छा, और यहाँ, ठीक है, और ये है तुम्हारा सूर्य, कौन है ये? सूर्य है ये, इस तरीके से, तो ये ऐसे ऐसे करके, हाँ, ये तुम्हारा सूर्य है इस तरीके से, ये तुम्हारा हीट इस तरीके से निकाल रहा है, ढेर सारी हीट निकालता है यहाँ से सूर्य, तो सूर्य, और इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, ठीक है ना, इनका नाम है ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप सिंह, तो इनका नाम ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप सिंह है और ये है सूर्य, तो सूर्य से इन सूर्य तक जो धूप आती है वो कैसे आती है, तो इन तक धूप ऐसे आती है, कैसे आती है, ऐसे करके आती है, धूप आती है प्रकाश के रूप में। ठीक है ना, तो धूप आती है आपकी प्रकाश के रूप में, और दोस्तों प्रकाश में क्या चीज़ें होती हैं, प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश में होती है आपकी किरणें। ठीक है ना, तो किरणें, प्रकाश में किरणें होती हैं और किरणों में एक किरण होगी, है कि नहीं, एक प्रकाश की किरणों में किरण होगी और जहाँ पर किरण होगी वहाँ पर विकिरण होगा, कहने का मतलब वहाँ पर रेडिएशन होगा। ठीक है, तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य से पृथ्वी तक जो है लाइट किस मेथड से आती है, तो इसका सही जवाब होता है आपका रेडिएशन के जरिए आती है। दोस्तों आज मेरे सिस्टम पे, मेरे चैनल पर इधर सामने ये नहीं दिखाई दे रहा है कि कितने लोग इस समय करेंटली देख पा रहे हैं मेरा ये लेक्चर, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर इस समय कितने लोग इस समय देख रहे हैं एग्जैक्टली? ठीक है, हाँ, तो चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गई हम लोगों की। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा देखिए दूसरी चीज़ कि अंतरिक्ष, जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं तो दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बिल्कुल फ्री स्पेस होता है, ये तुम्हारा अंतरिक्ष होता है और अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं होता, ना हवा, पानी, प्लास्टिक, लोहा, लोही, कुछ नहीं। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ये वाला हम लोगों ने पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती। दूसरी चीज़, हम लोग एक बात जानते हैं कि प्रकाश जो होता है, आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा, प्रकाश जो होता है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो इस मेथड में हमेशा जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, हीट का ट्रांसफ़र होता है, वो किस फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, जो हीट का ट्रांसफ़र होता है, वो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होता है। ठीक है ना, तो हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो याद रखिएगा ये चीज़
कि हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ओके, इस समय 45 पीपल्स आर रियली देयर, मुझे बताते रहना कि कितने लोग किस समय देख रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए ये चीज़ हम लोगों का क्लियर हो गया। अच्छा, आगे की ओर हम लोग आते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, इसके एग्जांपल लेता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर एक बढ़िया सा एग्जांपल आप लोगों को दिख रहा है, ये तुम्हारा सूरज है, है कि नहीं, तो ये तुम्हारा सूरज है, सन, SUN, सन, सन माने सूर्य। ठीक, अच्छा, तो सूर्य से भी देखो तुम्हारी यहाँ पर जो क्या कहते हैं लाइट रेज जो आ रही है तुम्हारी, जो तुम्हारी हीट आ रही है वो भी तुम्हारी हीट इस तरीके से आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही इस तरीके से, तो ये तुम्हारी हीट भी इस तरीके से आ रही है। ठीक, क्लियर। अच्छा, सीडियस, ओके, चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा जब आग जलती है, दूसरा एग्जांपल देखिएगा, जब कभी भी आग जलती है तो यहाँ पर भी जब तुम आप जो है आप जब कभी भी हाथ सेंकते हो तो जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो भी तुम्हारा रेडिएशन के रूप में होता है। अच्छा, यहाँ पर जब कभी भी एक चीज़ याद रखिएगा, जब कभी भी ऐसा हो कि लकड़ी जले, इस तरीके से, ठीक है ना, जब कभी भी इस तरीके से लकड़ी जले ऐसे करके, तो एक बात आप याद रखिएगा हमेशा कि इसमें दो तरीके से हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है ना, दो तरीके से हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है, इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है ना, तो दो तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे ऐसे करके ये तुम्हारी आग जल रही है इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर दो तरीके से हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है। मान लो कि आपने अपने हाथों को इस तरीके से ऐसे करके, आप अपने हाथ ऐसे करके यहाँ पर सेंक रहे हो, ठीक है, आपने अपने हाथों को इस तरीके से लगा रखा है, यहाँ पर आपने ला करके ऐसे करके अपने हाथ ऐसे कर दिए। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, आपने अपने हाथों को इसके ठीक ऊपर कर दिया इस तरीके से, और आपने दूसरी बार क्या किया, अपने हाथों को तुमने यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर दो तरीके से हीट का ट्रांसफ़र होगा, पहली चीज़ कि यहाँ से ज़मीन से गरम गरम पार्टिकल हीट के जाएंगे, जो तुम्हारे मतलब गैसों, गरम गरम गैसों के पार्टिकल ऊपर की ओर जाएंगे ऐसे करके। ठीक है, तो जब ये इस तरीके से हीट के पार्टिकल ऊपर की ओर जाएंगे डायरेक्टली, तो ये वाला जो तुम्हारा हीट का ट्रांसफ़र होगा ये तुम्हारा कहलाएगा कन्वेक्शन। क्या कहलाएगा? कन्वेक्शन, ये तुम्हारा कन्वेक्शन कहलाएगा। मगर जब इस तरीके से हीट का ट्रांसफ़र होगा तो ये तुम्हारा कहलाएगा रेडिएशन। क्या कहलाएगा? रेडिएशन। तो इस तरीके से ये विकिरण, कहलाएगा तुम्हारा। क्लियर हो गया ये चीज़? ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच रक्षंदा, मोनिका कुमारी, हाँ, मैं ड्राइंग बहुत बढ़िया बनाता हूँ, मैंने एक्चुअली BA किया हुआ है ना, तो ड्राइंग में ही, तो इसीलिए मैं मतलब बढ़िया बना लेता हूँ ये चीज़ें, है ना। हाँ, चलिए, एग्जैक्टली, तो चलिए अगला हम लोग एग्जांपल देखते हैं इसका, देखिएगा जरा ध्यान से। एक मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें तीनों एग्जांपल बहुत बढ़िया से आपको दिखाए गए हैं, तीनों एग्जांपल देखिए जरा। एक बर्तन है जिसमें पानी गर्म कर रहा है ना, एक बर्तन है जिसमें पानी गर्म हो रहा है, आप लोग देखिएगा जरा ध्यान से, और नीचे रखा हुआ है हीटर, नीचे क्या रखा हुआ है? हीटर। तो दोस्तों नीचे हीटर रखा हुआ है, ठीक है, अगर नीचे हीटर रखा हुआ है तो आप ये लोग ये चीज़ देख पा रहे होंगे, जो सबसे पहले बर्तन गर्म होता है और बर्तन के संपर्क में जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो पानी के पार्टिकल्स कंडक्शन के द्वारा गर्म हो जाते हैं, चालन विधि द्वारा इसलिए गर्म हो जाते हैं क्योंकि वो पानी की सतह पर चिपके हुए थे पहले। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ कि हीटर से किनारे किनारे से हीट निकल रही है, थोड़ी बहुत, तो हीटर के किनारे किनारे आजू और बाजू में, जिसको बोलते हैं आजू और बाजू में, ठीक है,
तो आजू और बाजू में आप लोग देख सकते हैं कि हीट इधर उधर से निकल रही है, ठीक है। हाँ ओके। और पानी कैसे गर्म हो रहा है? पानी तुम्हारा गर्म हो रहा है कैसे? पानी तुम्हारा गर्म हो रहा है कन्वेक्शन से। पानी तुम्हारा गर्म हो रहा है कन्वेक्शन से, है कि नहीं? और तुम्हारा जो हैंडल गर्म हो रहा है, हैंडल गर्म हो रहा है तुम्हारा कैसे? हैंडल तुम्हारा गर्म हो रहा है कंडक्शन मेथड से, है कि नहीं? कंडक्शन मेथड से। तो हैंडल तुम्हारा कंडक्शन मेथड से गर्म हो रहा है दोस्तों, क्लियर हुआ ये चीज़? अच्छा तो ये हो गया। अच्छा दूसरी चीज़, तो यहाँ पर आई थिंक आप लोगों ने ये चीज़ ऐसे 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 करके क्लियर कर लिया होगा। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? ओके। रसना नींबू पानी, रसना नींबू पानी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल देखिएगा। कोई आदमी आकर के किसी जगह बैठ जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे कोई पब्लिक बैठने वाली जगह होती है ना, पब्लिक प्लेस होता है, कोई आदमी अभी बैठा था और हम बहुत खड़े खड़े थक गए, तो यार हम देख रहे हैं कि कोई आदमी खड़ा हो जाए वहाँ से, एक आदमी उठ के वहाँ से चल देता है, ठीक है। हाँ तो एक आदमी वहाँ से उठ के चल देता है, जब हम बैठते हैं तो देखते हैं वो ज़मीन बहुत गर्म है। हम जब वहाँ पर बैठते हैं तो देखते हैं ज़मीन बहुत गर्म है भाई, तो ज़मीन बहुत गर्म है ना? ज़मीन बहुत गर्म है तो कैसे गर्म हो गई ज़मीन? ज़मीन ऐसे गर्म हो गई कैसे? इस आदमी को देखो ध्यान से, इस आदमी के शरीर में हीट होती है, आदमी के शरीर में ऊष्मा होती है ढेर सारी, ठीक है ना। आदमी या कोई भी इंसान होता है, हर इंसान हॉट होता है, ठीक, हर इंसान हॉट होता है, तो उसकी बॉडी में हीट होती है, उसकी बॉडी में हीट होती है। वो जहाँ पर बैठा होता है तो उसका जो बॉडी का पार्ट जो कि सीट के डायरेक्ट टच में है, जो कि सीट के डायरेक्ट टच में है, यहाँ पर देखे ज़रा ध्यान से, ठीक, यहाँ पर हीट तुम्हारी इस तरीके से ट्रांसफ़र होती है। और ये हीट ट्रांसफ़र होती किस मेथड से? कंडक्शन से, ठीक है ना। तो ये कंडक्शन से तुम्हारी हीट ट्रांसफ़र होती है। मोनिका जी मेरी क्लास शुरू होती है शाम को 8:30 बजे डेली, ठीक है। अच्छा दूसरा तुम्हारा एग्जांपल, उसके शरीर से हीट बहुत निकलती है, ठीक। तो दोस्तों एक कमरे में बहुत गर्मी लग रही थी और मैं आँख बंद करके बैठा हुआ था, तो मैं तुरंत समझ गया कि इस कमरे में एसी चल रहा है फिर भी हीट लग रही है, मतलब कोई हॉट इंसान इस रूम में बैठा हुआ है कि नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है गर्मी लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि उसके शरीर से हीट निकलती है। दोस्तों हर एक इंसान के, एक स्वस्थ इंसान के शरीर से इतनी हीट निकलती है कि एक 100 वाट के टोटल 5 बल्ब कंटिन्यूअस जलाए जा सकते हैं, इतनी एनर्जी होती है एक स्वस्थ इंसान के शरीर में, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़, तुम्हारा इंसान के शरीर में इवेपोरेशन भी होता है। इवेपोरेशन का मतलब ये हो जाता है जो तुम्हें पसीना आता है, पानी के पार्टिकल्स एक्चुअल में होता क्या है, देखिएगा ज़रा ध्यान से। मान लीजिए कि कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है, और सपोज दैट होता क्या है कि इसकी सतह पर आकर के पानी का एक पार्टिकल रख गया, ये तुम्हारा पानी का एक पार्टिकल है, ठीक है। और मान लो कि अगर इस सतह को अगर ऐसे करके आपने हीट दे दी, इस तरीके से ऐसे करके सतह को हीट दे दी, तो ये हीट पानी को मिल गई, तो पानी तुम्हारा क्या हो जाएगा? पानी तुम्हारा वेपर बन के उड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के जब ये पानी वेपर बन के उड़ेगा तो थोड़ी बहुत हीट ऊपर की ओर ले जाएगा, तो तुम्हारे शरीर से हीट पसीने के उड़ने के रूप में भी गायब होती है। इसीलिए दोस्तों जब तुम्हें अगर तुम्हें पसीना आ चुका है और तुम अचानक से पंखा चला देते हो, जब तुम पंखा चला देते हो पसीने से भीगे हुए होते हो तरबतर, तो उस समय तुम्हें अचानक से ठंडक महसूस होती है। उसका रीज़न सिर्फ यही होता है क्योंकि जब तुम पंखा चला देते हो इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है ना, इस तरीके से दोस्तों पंखा चला देते हो जब तुम, तो यहाँ से ऐसे ऐसे करके जो हवा जाती है,
तो ये हवा तुम्हारे शरीर से टकराती है और टकरा करके ऊपर चली जाती है। रीज़न, हवा जैसे ही टकराती है तो तुम्हारे जो शरीर पर पसीना आया हुआ है, जो पानी आया हुआ है, तो पानी को कहती है कि तुम इवेपरेट हो जाओ, तुम वाष्प में बदल के चले जाओ। तो इसीलिए जो पसीना होता है वो तुम्हारे शरीर की कुछ हीट लेता है और कुछ हीट इस हवा से लेता है जो तुम्हारा पंखा भेज रहा है। तो इस तरीके से वो तुम्हारे शरीर की हीट को लेकर के चला जाता है। तुम्हारे शरीर की हीट निकल करके एटमॉस्फेयर में जाने लगती है। तुम्हारे शरीर की हीट निकल के अगर एटमॉस्फेयर में जाएगी, अगर तुम्हारे शरीर की हीट निकल करके एटमॉस्फेयर में जाएगी तो तुम्हारे शरीर का टेम्परेचर अपने आप डाउन होने लगेगा। तो तुम्हारे शरीर का टेम्परेचर अचानक अपने आप डाउन होने लगेगा। तो इस तरीके से दोस्तों तुमको ठंडक लगती है जब कभी भी पसीना आता है और तुम पंखा चला के सामने खड़े हो जाते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई एग्जैक्टली। दूसरी चीज़ अब देखो ना, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन का यहाँ पर कन्वेक्शन सराउंडिंग की एटमॉस्फेयर की कुछ ठंडी ठंडी सी हवाएं, कुछ ठंडी ठंडी सी हवाएं जब इंसान के शरीर से ऐसे करके टकराती हैं, ऑब्वियस सी बात है जब चले ठंडी हवाएं सनन सनन, तो ये सनन सनन करके यहाँ से ऐसे करके आती हैं। सनन सनन दोस्तों, ये सनन सनन है, सनम सनम नहीं है, ठीक है। तो ये सनन सनन करके हवाएं इधर जाती हैं, तो ये सनन सनन करके हवाएं चली इधर, मगर ये भनन भनन करके इधर आ गई, है ना। तो ये गरम गरम करके इधर आ गई, तो ये भनन भनन चीखती चिल्लाती भाग गई इधर से, अरे उधर तो बड़ा हॉट पीपल बैठा हुआ है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी हवाएं गरम होकर के वापस चली जाती हैं, क्लियर। तो ये चीज़ होती है दोस्तों। अच्छा, हमारे पास एक जो है, आपने सुना होगा नाइट विजन कैमरा नाम की एक चीज़ होती है, नाइट विजन कैमरा। दोस्तों अंधेरे में हमारे शरीर से, जैसा कि हमने आपको बोला कि हमारे शरीर से ठीक है ना, हमारे शरीर से इस तरीके से जो इंसान जो होता है इंसान, तो इंसान के शरीर से इस तरीके से हीट निकलती है। अभी मैंने आपको दिखाया है कि जो हीट निकलती है, ये हीट जो निकलती है, तो ये वाली जो हीट निकलती है इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्रारेड। जो हीट निकलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। तो ये तुम्हारी ईएम वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कई तरीके की होती है, इसमें एक तुम्हारी होती है इन्फ्रारेड, एक तुम्हारी होती है इन्फ्रारेड, ठीक है ना। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अवरक्त प्रकाश, ठीक है। तो अवरक्त प्रकाश होता है जो हमारी आँखें नहीं देख पाती, तो हमारी आँखें नहीं देख पाती, ये तुम्हारा हमारी बॉडी से इन्फ्रारेड निकलता है। मगर एक युक्ति बनाई गई, एक लेंस बनाया गया, इस तरीके से एक डिवाइस बनाई गई तुम्हारी इस तरीके से ऐसे करके कि वो हमारे शरीर से निकलने वाले इस प्रकाश को देख लेता है, वो महसूस कर लेता है हमारे शरीर से इस तरीके से आने वाली प्रकाश की किरणों को, ये पहचान लेता है। तो जब हमारी आँखें तो इस तरीके से जब ये पहचान लेता है, यहाँ पर एक इंसान की आँख लगा दी जाती है, जो इंसान अंधेरे में देखना चाहता है किसी इंसान को, ऐसे 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 करके ये तुम्हारी आँख है और तुम देखते हो कि अच्छा इधर कोई आदमी है, तो ये तुम्हारी इन्फ्रारेड तरंगें जाती हैं इस तरीके से ऐसे करके, तो ये तुमको दिखाई देने लगता है। तुमको यहाँ पर दिखाई कैसा देता है, ऐसे करके दिखाई देता है, देखिएगा जरा ध्यान से। ये कुछ इमेजेस हैं जो तुम्हारी जो है नाइट विजन कैमरे की इमेजेस हैं जो इस तरीके से दिखाई देती हैं। इसको बोलते हैं रात्रि दर्शन कैमरा। इसका प्रयोग जो होता है वो हमेशा डिफेंस के लिए किया जाता है, जंगल में अंधेरे में छिपे हुए आतंकवादियों का पता करने के लिए, खतरनाक जानवरों का पता करने के लिए ये हम लोग नाइट विजन कैमरा का यूज़ करते हैं। साथ में नाइट विजन मशीन गन भी आती है, कुछ ऐसी मशीन गन आती हैं, बंदूकें आती हैं जिनमें नाइट विजन कैमरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। तो वो जो क्या कहते हैं कि अंधेरे में भी दुश्मनों का खात्मा करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को आई थिंक कि समझ में आ गई होगी, मज़ा आया होगा। टाइम कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों की क्लासेस दूसरे सब्जेक्ट की शुरू होने वाली हैं। हम आपको मिलेंगे कल एक नई हेडिंग के साथ। हमारे सामने कल हेडिंग होगी टेम्परेचर स्केल्स, आप कहीं जाइएगा नहीं, कल हम लोग मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, 100% मिलेंगे। जाते दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने सारे के सारे दोस्तों में। मैं हूँ कुमार रवि और कल हम लोग फिर से मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।